अभी मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंदर से आपको तस्वीरें, किस तरह से वैक्सीनेशन की तैयारियां हो चुकी हैं और 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित करेंगे, स्वास्थ्य कर्मियों को संबोधित करेंगे, डॉक्टर्स को संबोधित करेंगे और बताएंगे किस तरह से कोरोना किस जंग में भारत एक निर्णायक कदम आज रखने वाला है। तस्वीरें आपके समक्ष है, सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे। देखिए, कुछ लोगों को ये आशंका है, ये संदेह है कि क्या कोरोना की वैक्सीन जो है वो सुरक्षित है या नहीं, ये बहुत बड़ा एक सवाल सबके जहन में था। लेकिन जैसे ही आप ओपीडी में एंटर करते हैं तो आपको तस्वीरें जो है इस प्रकार नजर आती हैं कि यहाँ पर एक बोर्ड नजर आ गया है और ये बोर्ड जो है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लगाया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि वैक्सीनेशन की इस पूरी ड्राइव में जो कोरोना वैक्सीनेशन है, आपको इस पूरे मापदंड को, इन पूरे प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा, जिसके बाद जो है आपको हम ये पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि आप जो है सुरक्षित हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि रजिस्टर्ड ऑन कोविन सिस्टम यूजिंग अ वैलिड फोटो आईडी, फोटो आइडेंटिफिकेशन जो है आपको यहाँ पर बिल्कुल जो है इनको मुहैया करवाना होगा। उसके बाद आपको SMS आएगा और पूरी तरह से आपको यहाँ पर प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा, पूरी जानकारी होगी और आपको पंजीकृत किया जाएगा। और जब आपको पंजीकरण यहाँ पर किया जाएगा तो यहाँ पर आपको वैक्सीनेशन लगाई जाएगी और 30 मिनट का आपको इंतजार करना है। और 30 मिनट के इंतजार के बाद, यानी कि ऑब्जर्वेशन का जो समय, हम लगातार आपको ये जानकारी देते रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन में आपको रखा जाएगा 30 मिनट तक। और उसके बाद जो है वैक्सीनेशन जब आपको लगा दी गई है, आप ऑब्जर्वेशन में, उसके बाद पूरे 28 दिन के बाद आपको दोबारा दूसरी डोज के लिए बुलाया जाएगा। आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर यह बताया गया कि भारत तैयार है, जम्मू वासी तैयार है और जम्मू का पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग तैयार है इस पूरे कोरोना जो वायरस है उसके खिलाफ जो जंग हमने छेड़ी थी। और जनवरी के महीने से ही लगातार हमें यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय ये कहता रहा कि आपको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करना है। और यहाँ पर जो तस्वीर है वो इस प्रकार है। सबसे पहले ये संदेश है, इस पर अगर आप नजरें डालें तो ये कहा गया है, When we are safe, nation is safe। जब हम सुरक्षित हैं तो पूरा राष्ट्र सुरक्षित है। और कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जो है, जो जम्मू कश्मीर के हैं, वो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जम्मू डिवीज़न के लिए दिए गए हैं, कश्मीर डिवीज़न के लिए दिए गए हैं। और इसी तरह से टोल फ्री नंबर्स भी हैं, यहाँ पर दिए गए हैं 1075। ट्विटर हैंडल्स के बारे में बताया गया है, इंस्टाग्राम हैंडल्स के बारे में बताया गया है, यूट्यूब हैंडल्स के बारे में बताया गया है। इसी तरह की जानकारी जो है तमाम लोगों को यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ की तस्वीरें आपको खाते हैं तो यहाँ पर तस्वीर इस प्रकार है कि लगातार जब कोरोना के जंग में हम शामिल हुए थे, जब भारत ने भागीदारी ली थी और भारत ने कहा था कि इस जंग में हम डट कर रहेंगे, हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं, तो सबसे पहला हमें यही कहा गया था कि बचाव करना होगा और बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पाठ पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर भी तस्वीरें उस प्रकार है कि सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से यहाँ पर सर्कल्स बनाए गए हैं और इन सर्कल्स में ही वो तमाम लाभार्थी जो है वो खड़े होंगे, अपने जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन का इंतज़ार करेंगे। तकरीबन जो है यहाँ पर हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखा रहे हैं, 10 सर्कल्स बनाए गए हैं। तो ये 10 सर्कल्स के माध्यम से यहाँ पर 10 लोग जो है अलग अलग खड़े होंगे और इसी प्रकार से यहाँ पर अंदर जाएंगे। और इस तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो पूरी तरह से डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है। कुछ ही समय के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ पर आने वाले हैं, वैक्सीनेशन जो है यहाँ पर लगने वाली है। और ये एक अहम पड़ाव है, ये वैक्सीनेशन सेंटर है COVID-19 हॉस्पिटल का और यहीं से वैक्सीनेशन की जो है वो शुरुआत होने वाली है। और ये देखिए, यहाँ पर भी अभी थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ेगा, सैनिटाइज करने पड़ेंगे हाथ और साथ ही साथ मास्क यहाँ पर रखे गए हैं। यानी कि अभी भी भारत जो है जंग में लगातार जो है वो तत्पर खड़ा है। और यहाँ पर ये जो लिस्ट पूरी दी गई है, इस लिस्ट में जानकारी दी गई है कि कौन वो लाभार्थी है, कौन वो व्यक्ति है जो आज वैक्सीनेशन की इस पूरी प्रक्रिया से गुजरेगा। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये वो महत्वपूर्ण, अगर हम कहें, वो पड़ाव है जिसके लिए पूरे देशवासी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार कब जवाब मिलेगा उस सवाल का कि कोरोना की वैक्सीन कब मिलेगी। जवाब मिल चुका है, कोवैक्सीन भी आ चुकी है, कोविशील्ड भी आ चुकी है। लेकिन जम्मू की बात की जाए तो जब ड्राई रन का आगाज़ हुआ था काफ़ी ज़्यादा सफल रहा था और उसके बाद जो है यहाँ पर वैक्सीन पहुँची थी तो हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई थी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से और वहाँ पर ये बताने की भी हमने आपको कोशिश की थी कि किस तरह से कोल्ड स्टोरेज में तमाम डोजेस को रखा गया है। देश के विभिन्न राज्यों में आज इसी तरह की तस्वीरें आप अपने TV चैनल्स पर देख रहे होंगे और इसी तरह से डॉक्टर्स जो हैं पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हैं और डॉक्टर्स जो हैं इस प्रक्रिया से
गुजरने के लिए भी तैयार है। जब 10 लाभार्थी यहाँ पर यहाँ से गुजरेंगे उसके बाद यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अंदर भी पूरी तरह से कतार जो है बनाई गई है और पूरी तरह से अंदर भी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपको पालन जो है वो करना होगा। और उसी के बाद जो है यहाँ से लोगों को यहाँ से इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हालांकि आम जो लोग हैं, आम नागरिक हैं भारत के, वो एक सवाल लिए हुए हैं और उनका जवाब मैं दे दूँ। ये भी कहा जा रहा है कि मार्च के महीने में जो भारत के आम नागरिक हैं उनका पंजीकरण होना जो है वो मुमकिन है, क्योंकि 4 चरणों में ये पूरी तरह से वैक्सीनेशन की